हैं, बाकी फिर धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। आज के आप इस परिचर्चा में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज के द्वारा आयोजित ये 10वीं परिचर्चा है, और विगत कुछ दिनों में कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से ये परिचर्चाएं नहीं आयोजित हो पाई थी, लेकिन अब दोबारा हम इनको आरंभ करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये परिचर्चाएं निरंतर अग्रसर होती रहेंगी। और आज की इस परिचर्चा का विषय आप सभी देख पा रहे हैं अपने इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, और ये विषय कुछ ऐसा है जहां पर जिसके विषय में चर्चा बहुत कम हो पाती है, क्योंकि ये बड़ा सहज और स्वाभाविक सा विषय लगता है कि भाई इसमें विचार करने वाली क्या बात है, या ये चर्चा का विषय क्या बनाना है इसको, क्यों? क्योंकि ये अति प्रयोग में आने वाली बात है, अति जिसे हम कहते हैं कि अति परिचय के कारण इसके ऊपर हम चर्चा बहुत कम कर पाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से तीन मुख्य तत्व हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और ये भी देखने जा रहे हैं कि इसकी वजह से मनुष्य के जीवन पर, मनुष्य के बाकी संबंधों को लेकर के और सारे समाज के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है, और उसको आगे की दिशा देने में हम लोग क्या कर सकते हैं, या उसके क्या दिशा होनी चाहिए, उसका स्तर क्या होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे विषय जो मैं लगभग अगले 5-7 मिनट में आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और उसके बाद आप लोगों के संक्षिप्त विचार लेकर के, और फिर उसके बाद हम उनके ऊपर टिप्पणी या विषय प्रतिपादन के लिए, विस्तार के लिए मैं प्रोफेसर रमाकांत जी से निवेदन करूंगा। तो इस तरह के इस कार्यक्रम को देखते और समझते हुए मैं आप लोगों के साथ सीधे सीधे विषय पे आता हूं। इस विषय का जो एक आधार, बहुत वर्षों पहले जो एक श्लोक पढ़ा था उत्तर रामचरितन में भवभूति के द्वारा रचे, और उसमें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लौकिका नाम ही साधु नाम मर्थो वागनुवर्तते, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती। श्लोक का अर्थ करने से पहले ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने ये विषय थोड़ा सा सीमा में रखा है कि हम संस्कृत शास्त्रीय पक्ष को इस बार देख रहे हैं, और उसके बाद हम जो इसका जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, जो पश्चिमी इसका विश्लेषण है, उसको और विस्तार से लेंगे। तो एक तरह से ये प्रथम भाग है, द्वितीय भाग में हम उसको और व्यापक रूप से लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपके पास कोई ऐसा विचार या इस तरह की कोई चर्चा के योग्य विषय है जो पश्चिम की दिशा से इस विषय को स्पष्ट करता हो, तो जरूर उसको आप साझा करें। तो अस्तु, इस श्लोक की ओर हम अग्रसर होते हैं कि इसका बड़ा सरल सा अर्थ है कि लौकिक सत्पुरुषों की वाणी अर्थ के पीछे चलती है, कि जो अर्थ है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए सारे का सारा जो है वो वाणी जो है वो हमारा व्यवहार चल रहा है, वाक व्यवहार चल रहा है, और फिर भी हम अर्थ को पूरी तरह से न परिभाषित कर पाते हैं, न कम्युनिकेट कर पाते हैं, संप्रेषित कर पाते हैं। परंतु आद्य ऋषियों की जो वाणी है, जो आरंभ के जो ऋषि लोग थे जिन्होंने मंत्र देखे, मंत्र दृष्टा रहा, उन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ चला करता था, जो वो कह देते थे उस वो होता था। और इसका बड़ा स्थूल और आप उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कोई शाप देने की, कोई वरदान देने की, तो वो शाप देना और वरदान देना जो है वो लगभग ऐसा ही था कि जो कह दिया गया वो घटेगा। और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम चाहे शाप दें चाहे वरदान दें, कुछ भी घटित नहीं होता, वो केवल एक खोखले शब्द बन के रह जाते हैं, फोके शब्द बन के रह जाते हैं। तो यहाँ से भाषा की दिक्कत शुरू होती है, और निश्चित रूप से भाषा की इस तरह की दिक्कत शुरू होती है
तो उसमें भाव का भी एक पक्ष आ जाएगा और विचार का भी आएगा। इसको विषय को थोड़ा सा और व्यापक रूप से समझने के लिए और स्पष्टता से जानने के लिए आप ये देखिए कि स्क्रीन के नीचे की ओर और इसके लेफ्ट साइड की ओर दो शब्द दो अवधारणाएं लिखी हुई हैं। एक ओर है अन्विताभिधान और दूसरी तरफ है अभितान्वय। अन्विताभिधान ये मीमांसा के दोनों टर्म्स हैं, वहां पे इनका प्रयोग किसी थोड़ा सा भिन्न अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको लें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वक्ता या लेखक जब लिखता है या बोलता है तो उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस माइंड में काम करता है, विचार, उसके भाव, और फिर उनको वो समायोजित करता है अपने भाषा में, और फिर उसके बाद जो है वो उसको प्रकट करता है। तो यानी कि पहले अन्वय करता है, सिंक्रोनाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, और फिर उसके बाद वो उसको प्रस्तुत करता है। लेकिन दूसरी ओर जो श्रोता का पक्ष है और पाठक का पक्ष है वो अभितान्वय है, वो विपरीत हो जाता है। विपरीत अर्थ इस अर्थ में हो जाता है कि उसके पास लिखित में या वो शब्द आ गए हैं, अब उसने उनको डिकोड करना है, वो सारा का सारा सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस वो आरंभ करता है। तो इसलिए अभितान्वय और अन्विताभिधान इन दो के बीच में इस विषय को थोड़ा सा और ज्यादा स्पष्ट करने की हम कोशिश करेंगे। अब ये जो तीन शब्द थे, भाषा, विचार और भाव, इनके बीच में जो पीछे काम करने वाली कुछ शक्ति रहती है और उनके इनके संबंधों को जानने के लिए ये तीन शब्द भी मुझे लगता है कि जानने बहुत आवश्यक हैं। आपका मन, आपके प्राण और आपका ज्ञान। प्राण इसलिए कि अगर आपका प्राण थोड़े देर भी अस्वस्थ है, अगर वो उचित मात्रा में नहीं है, ज्यादा है या कम है, तो आप वाणी नहीं बोल पाते, आप कुछ भी कह नहीं पाते, अस्पष्ट हो जाता है। जब आप भाग कर आते हैं तो आपके प्राण जब हिले हुए होते हैं तो आप तुरंत अपनी सामान्य भाषा में बात करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मन अगर आपका कहीं पर दुविधाग्रस्त है या कहीं उलझा हुआ है तो भी आपकी भाषा और विचार आपस में तालमेल नहीं बैठते। तीसरा एक पक्ष ज्ञान का है कि इस भाषा, भाव और विचार के बीच में ज्ञान का स्थान कहाँ है, ज्ञान कौन सी स्थिति में आकर के वो ज्ञान बनेगा, कि भाव ज्ञान रूप है, विचार ज्ञान रूप है, या ज्ञान दोनों को मिलाकर के है या कुछ अलग है। तो इस विषय को भी थोड़ा सा हम लोग छूने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि एक पश्चिम की का दृष्टिकोण है और एक हमारा दृष्टिकोण है, तो भाषा के स्तर पर पहले इस दृष्टिकोण को थोड़ा सा हम समझ लें बहुत संक्षेप में, कि जब आप भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, स्क्रीन के दाहिनी ओर थोड़ा सा आ जाएं, तो अहम और अस्मि के बीच में सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, आप सब कुछ समा सकते हैं। तो यहाँ भाषा को लेकर के विचार और भाव की जो एक समस्या है वो उस तरह की समस्या नहीं हो सकती जैसे कि पश्चिम में रही है। वो कैसी रही है कि यहाँ पर विभाजन पर आधारित है। नीचे की ओर देखिए स्क्रीन पे, आई एम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप पहले ही विभाजन पर आधारित हैं। तो पश्चिम में सारे के सारे जो उपलब्धियां हैं वो इसी विभाजन पर आधारित हैं, क्योंकि मैं हूं और मैं बाकी जो मेरे से अलग है उसको मैं नियंत्रित करना चाहता हूँ, और यहाँ पर आकर के वो भाषा में आप विखंडन देखने को मिलेगा। वहां पर आपको अनेक प्रकार की अजीबोगरीब दुविधाएं, परवर्शन आदि आदि देखने को मिलती हैं। और जबकि आप अपनी भाषाओं में जब आप विचार करने लगते हैं तो वो नितांत एक अलग परिदृश्य उसका उपस्थित होता है कि आप अपने अस्तित्व और अपने बीच में सारा ब्रह्मांड समा लेते हैं। तो आप भाषा को, विचार को अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो और इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वो आपके मंत्र साहित्य और जो और बहुत सारा साहित्य इस तरह का देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां भी विकृतियां नहीं मिलती या वहां पे भी कोई समस्याएं नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। लेकिन आज हमारे लिए, क्योंकि हम दोनों भाषाओं से परिचित होते हैं, तो हमारे लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे मन के लिए एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है कि मैं अहम अस्मि वाली भाषा बोलूं या मैं आई एम वाली भाषा की ओर अग्रसर हूं। तो दोनों के बीच में खिंचाव रहता है। और इमोशंस ये सारे आप जानते हैं, सेंटिमेंट शब्द भी मैं रख सकता था, सेंटिमेंट भी आप इसमें ऐड अप कर लीजिए, क्योंकि उसको हिंदी में जब आप अनुवाद करेंगे तो इमोशन और सेंटिमेंट का मुख्य रूप से भाव शब्द ही अनुवाद को लेकर के आप अपना कार्य कर सकते हैं।
तो इमोशंस बेसिकली आपकी हैं, जिसे आप महसूस कर रहे हैं, थॉट्स जो आप सोच रहे हैं, और ये सारी चीजें आपके व्यवहार को परिभाषित कर रही हैं, जो कि तीनों पक्षों के बीच का केंद्र जो है वो आपकी भाषा बनती है। तो इस समस्या को अगर आप समस्या समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, तो आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कि क्योंकि इस जो बहुत अति परिचय वाला ये जो विषय है, इसको पहले तो इसको समस्या के रूप में परिभाषित करना कि क्या ये वस्तुतः हम एक समस्या है और हमें प्रभावित करती है, अगर करती है तो किस अर्थ में करती है, और फिर इसके लिए करेक्टिव मेथड्स क्या हैं। आगे चलते हैं, अग्रसर होते हैं। ये आप लोगों ने सबने पढ़ ही लिया होगा, और जो मैंने आप लोगों के साथ की हम इसको क्यों आयोजित कर रहे हैं, तो ये सारा विषय है। मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन इतना जरूर आपसे ये बात साझा करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से 21वीं शताब्दी के हम लोग जो अपनी अति बुद्धिवादिता से ग्रस्त होकर भी न हमारा भाषा पर वैसा अधिकार है जो हमारे उन्हीं अभीष्ट अर्थों को प्रस्तुत करे जो हम वस्तुतः संप्रेषित करना चाहते हैं, और न ही भाव शुद्धता वैसी है जैसी अपेक्षित है, और न ही वह वैचारिक निर्द्वंद्वता है जो अहिंसक हो, और साथ ही साथ तीनों में सामंजस्य के अभाव की समस्या इस विषय पर चर्चा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ पहले ही साझा किया हुआ था। अब मैं इसको थोड़ा सा और अग्रसर करते हुए बताता हूं कि अब जब हम इन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो पहले हम इसका मूल्यांकन करना तो सीख लें। मूल्यांकन करने का मतलब क्या है कि भाषा पर मेरा अधिकार कितना है, चाहे आप हिंदी, संस्कृत, पंजाबी जो भी जानते हैं, आप ये मूल्यांकन सामूहिक सारी भाषाओं पर करना चाहें या एक एक भाषा पे करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि 1 to 16 के स्केल पर जाकर के आप अपने भाषा पे अधिकार को का मूल्यांकन कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने आप को 1 से 6 के ऊपर रखें, हो सकता है आप 11 पे रखें, यानी कि आप भाषा के अधिकतम 16 से कम कितना रख पाते हैं वो आपके अपने पर निर्भर करता है, आप अपने को क्या मानते हैं। और सामान्य रूप से मैं आपको बताऊं तो जब एक सर्वे किया था, तो उस सर्वे में हमारे सामने उभर कर ये बात आई थी कि सामान्य मनुष्य का जो व्यवहार है 24 घंटे का, वो लगभग 40-45 शब्दों के बीच में वो चल जाता है, वो उससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो इस संदर्भ में अगर आप अपना मूल्यांकन प्रैक्टिकल करना चाहें कि भाई मेरा भाषा पे कितना अधिकार है, तो 1 to 16 के स्केल पर आप अपने को मार्क्स दे सकते हैं या लाइन लगा करके देख सकते हैं। और अगर आप 16 के 16 ही मार्क्स देते हैं, तो फिर तो आप ब्रह्मज्ञानी ही होंगे, और अगर वो नहीं है तो निश्चित रूप से फिर जितना आपने अपने को मार्क्स दिया है उससे अधिक जो है वो आपके पास जानने और समझने की संभावना है। इसी तरह भाव मूल्यांकन को भी आप देखें, जिसमें 8 स्थायी भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये भी इनको स्थायी मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि ये जीवन के मृत्यु पर्यंत ये साथ ही साथ चलते हैं, और कब कौन सा उत्पन्न हो जाए ये कह नहीं सकते, कई बार तो उनपे आपका नियंत्रण भी नहीं होता। तो उसी तरह से 16 के स्केल पे आप इन पे भाव मूल्यांकन को भी समझ सकते हैं कि आपके भावों का क्या स्तर है, कैसे वो उनकी दिशा है, क्या उनकी दशा है, उसका भी मूल्यांकन आप 1 to 16 के स्केल पे कर सकते हैं। इसी तरह विचार मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं कि आपके विचारों का स्तर क्या है, उनकी व्यापकता का स्तर क्या है, उनके विभिन्न आयाम क्या हैं, कितने पक्षों में आप सोचते हैं, आपकी सूक्ष्मता, वैचारिक सूक्ष्मता का स्तर क्या है और वैचारिक स्पष्टता का स्तर क्या है। जैसे मुझे ये कठिनाई आ रही थी कि ये वैचारिकता स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि इस विषय को हम अप्रोच कैसे करें, कैसे समझें, तो इसको भी आप इसको 1 to 16 के स्केल पे देख सकते हैं। उसके बाद एक अंतिम और भी मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों विषय एक साथ हैं, भाषा, भाव, विचार, इनका समन्वय करके ये कितने आपके भीतर कितने ज्यादा सिंक्रोनाइज हैं, समन्वित रूप में आप में ये अभिव्यक्त होते हैं, उसको भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं 1 to 16 के स्केल के पर। और साथ में ध्यान रखने वाली बात ये है, आप लेफ्ट हैंड के ऊपर देखिए वाई एक्सिस पे, तो आप देखेंगे कि इस मूल्यांकन को करते हुए 6 बातें और ध्यान रखनी है आपको, अपनी लिमिटेशंस ऑफ इंडिविजुअलिटी,
लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिविटी, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, लिमिटेशन ऑफ अटैचमेंट, लिमिटेशन ऑफ योर टाइम, लिमिटेशन ऑफ योर डेस्टिनी। यानी कि फ्रीडम की एक सीमा हो गई कि भाई आप इतनी सीमा तक ही अपनी फ्रीडम का उपयोग कर सकते हैं, ये आपकी नियति है। तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना मूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये विषय बड़ा गहन, व्यापक और गंभीर हो जाता है। और ये कुछ प्रश्न है जो सामान्य रूप से हम सभी को विचार करने चाहिए कि जैसे कि कैन यू स्टॉप थिंकिंग व्हेन यू डू नॉट वांट टू थिंक एंड थिंक व्हेन यू वांट टू थिंक। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन क्या हमारा अपने पे अधिकार है? क्योंकि ये जो मैंने आपको मूल्यांकन पद्धति बताई है, वो मूल्यांकन पद्धति आपके इस प्रश्न को सार्थक करती है। डू यू कमांड योर थॉट्स, जब आप, क्या आप अपने विचारों पर अधिकार रखते हैं कि जो मैं सोचना चाहता हूँ उसी तरह से सोचूंगा, या एक विचार आकर के आपके व्यक्तित्व तो इतना हावी हो जाता है कि दवाइयों के बगैर फिर आप उसका इलाज नहीं कर सकते। और फिर ये भी प्रश्न आ जाएगा हमारे सामने कि डू यू रियली थिंक दैट यू थिंक, जो आप जिसको मान रहे हैं कि मैं विचार करता हूं, क्या वो वस्तुतः विचार है या वो कुछ और ही होता है? इज योर लैंग्वेज अप्रोप्रिएट एनफ टू कम्युनिकेट योर होल थॉट प्रोसेस या होल थॉट? डू यू नो द फॉर्म, एसेंस, लेवल एंड डायमेंशंस ऑफ योर थॉट? हाउ डू यू थिंक, आप सोचते कैसे हैं? जब आप कहते हैं कि मैं सोचता हूं, क्या सचमुच आप भीतर से इस बारे में सजग होते हैं कि आपके सोचने की, विचार करने की प्रक्रिया क्या है? या हैव यू एवर लर्न द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और यू जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड और सेल्फ सर्टिफाइड थिंकर, जैसे कि हमें आजकल के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल क्लास मिलती है देखने को। इसमें एक पक्ष और भी देख लेना चाहिए कि ये जो भाषागत, भावगत और विचारगत संदिग्धार्थता है या अस्पष्टार्थता है जो कि आज बहुतायत होती है, क्योंकि हम लोग एक इंफॉर्मेशन की दुनिया में रह रहे हैं और उसमें बम्बार्टमेंट इतनी ज्यादा है इंफॉर्मेशन की, जिसमें कि आपको हर तरह की संदिग्धता, अस्पष्टता भी बनी रहती है कि कहाँ विश्वास करें, कहाँ ना करें और आदि आदि। और उन चीजों को भी मूल्यांकन करने के लिए और सहायता करने के लिए आपके पास भारतीय परंपरा जो है वो आपको उपलब्ध कराती है न्याय सूत्र, ताकि आप में स्पष्टता बनी रहे, और उसमें संभावनाओं में स्पष्टता लाने के लिए आपके पास अनेकानुवाद का भी वेपन है, एक तरह का वो शस्त्र है। तो शास्त्र वस्तुतः शस्त्र ही है, लेकिन हम संस्कृत के लोग इनका उपयोग ही नहीं कभी करते और ना करना सिखाते हैं कि इनको हम दैनंदिन जीवन में किस तरह से उपयोग करें और इनका प्रयोग करें। और ये थॉट की स्थिति है, आप सभी जानते हैं इसको, सभी संस्कृत के लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है वो, कुछ जो ब्लाइंड्स हैं, जो अंधे लोग हैं, वो किस तरह से एक हाथी को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से भाषा और आपके भाव और आपके अनुभव और विचार में एक जो तालमेल है, उसका अभाव जो है वो प्रकट होता चला जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने आप लोगों के साथ एक पृष्ठभूमि साझी की है, उसको हम किन शब्दों से समझने की, पकड़ने की कोशिश करें और उसको जो है एक निश्चित उसका फॉर्मेट डिजाइन करने की कोशिश करें, ताकि इसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा के जो एक औपचारिक पेपर लगाने की कोशिश की गई है, जिसमें बहुत सारी चीजें असंगत हैं, वहां पर इन शब्दों को हम प्रयोग में ला करके एक मॉडल डिजाइन करने का कोशिश करें। उसमें जैसे कि वाक् शब्द बहुत पहले आएगा, फिर आपके भाव, 33 संचारी भाव, चिंतन, मनन, संदर्भ, काम, क्रोध, लोभ, शब्द, अर्थ, दृष्टि, वस्तु अर्थ, बुद्धि अर्थ, प्रतिभा, मन, हृदय, ये सारी शब्दावली है जिसको आप देख सकते हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इन सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब अंग्रेजी में एक ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी में जब आप इस तरह के विषयों को लेते हैं तो उनका अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, वो किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन माय ओपिनियन, जनरली इस तरह से वो बात का आरंभ होते हैं, आई एज्यूम, या दूसरे की बात को जब आपने समझना होता है, या फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एज फार एज आई कैन टेल, टू माय माइंड, ये सारे जो हैं वो उनके एक पूरा एक कल्चरल पैटर्न है लैंग्वेज को प्रयोग करने का, जिसके आधार पर वो अपनी बात आरंभ करते हैं, विचार करने को प्रस्तुत होते हैं। और उसी तर्ज पर हमें ये थोड़ा सा देखना होगा कि हमारी
शास्त्र परंपरा किस तरह से हमें विचार करने के लिए तैयार करती है, वो विचार को आरंभ करने के लिए किस तरह से हमें अग्रसर करती है। तो इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए, एक व्यापक इसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए, और ये समस्या को हम परिभाषित शास्त्र के आधार पर कैसे करें, उसके लिए हमने निवेदन किया प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरसी को, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर एंड हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। वो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। उनका हम इस विषय के ऊपर एक व्यापक विस्तारपूर्ण एक जो है वो टिप्पणी लेंगे, विचार लेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि इसका शुरू का हमने सोचा था कि इसको हम एक परिचर्चा के रूप में आरंभ करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि इस विषय को, कि मुख्य वक्ता को हम आमंत्रित करें, उससे पूर्व आप लोगों के कोई अगर कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई दृष्टिकोण है, कोई एक विशेष आपको लगता है कि इस तरह से इस सारे विषय को देखा जाना चाहिए, तो वो आप लोग अपनी अपनी बात हमारे साथ साझी कर सकते हैं। उसके बाद हम मुख्य वक्ता का भाषण लेंगे और फिर दोबारा जो है इसके ऊपर हम चर्चा के लिए अग्रसर होंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर संक्षेप में आप लोग अपनी अपनी बात थोड़ी सी रख सकें, तो एक तरह से जो है हमारे सामने विषय जो है और अधिक स्पष्ट होगा और आयाम होंगे। तो प्रोफेसर डॉक्टर चांद भारद्वाज जी, जो कि दिल्ली में आजकल हैं और एजुकेशन के ऊपर और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, और बहुत सारी पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हुई हैं, और यूरोप और अमेरिका में उनके बहुत लेक्चर्स हो चुके हैं और बहुत सारा काम वो करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो संक्षेप में पहले अपनी बात रखें। जी, मैं बहुत सुंदर आपने इस विषय को पिकअप करके बहुत डिटेल्स में आपने उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसके लिए आपको साधुवाद। और ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि सारी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भाषा से हैं। यहाँ तक कि महाभारत भी भाषा से हुआ, उन्होंने बोल दिया अंधे के बच्चे अंधे, और इतना बड़ा झगड़ा हो गया दुनिया में। और हर घर में, स्कूल में बच्चे आपस में, और हर घर में ये भाषा का ही विषय है। अगर इसको हमने सॉल्व कर लिया तो एक बहुत बड़ा हम मरहला दुनिया का हल कर पाएंगे हमारी वैदिक नॉलेज के द्वारा। संस्कृत में इसका बहुत सुंदर ज्ञान है, तो मुझे उसको जो मैंने वैज्ञानिक ढंग से उस बात को देखा, जो महर्षि पाणिनि ने लिखा कि परा से पश्यंती, पश्यंती से मध्यमा, और वैखरी होके मुख से भाषा निकलती है। तो परा का अर्थ तो ये हो गया कि बियॉन्ड, वो परमात्मा के घर से आती है, और किस प्रकार वो मेरी आत्मा पर आती है शब्द मार्ग से, और कैसे मेरा मेरी आत्मा उसको मन को हैंडओवर करती है टू स्पीक, क्योंकि मन ने लोकल लैंग्वेज सीखा है। और फिर वह मन जो है वह मेरे ब्रेन को ट्रिगर करता है जो पश्यंती एरिया में है, क्योंकि सीट ऑफ द सोल और सीट ऑफ माय माइंड एंड सीट ऑफ माय ब्रेन इज इन द पश्यंती एरिया विच इज माय हेड, यू नो। तो भाषा जब उतरी ब्रह्मरंध्र से मेरी आत्मा में, जो कि दोनों आँखों के पीछे में जो ऑप्टिकल नर्व्स गई हैं वो सेंटर ऑफ द हेड में गई हैं, जहाँ कान भी जुड़े हैं, तो वहाँ वो स्थान है मेरी आत्मा का। जैसे हमने इवेल्युएशन किया साइंटिफिकली कि उस जगह हमें भाषा परा से उतरती है जो हमें बोलनी थी, लेकिन परा का ज्ञान मन को नहीं दिया गया। जैसे अभी बोला कि भाई हम तो परमात्मा से जुड़े हैं और हम उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, क्योंकि मन को इसका ज्ञान पूरी तरह से नहीं दिया गया। तो ये जो ज्ञान का विषय है, ये जैसे ही वो भाषा मन में आई, मन ने ब्रेन को ट्रिगर किया, इलेक्ट्रिकल मूवमेंट सारे शरीर में गई और मध्यमा में भी गई, सेंट्रल डायफ्राम में, और वो हिली, छोटे छोटे हवा के पफ्स मेरे लंग से होते हुए, श्वास की नाली से होते हुए, लैरिंग फेरिंग से होते हुए, मुख से वैखरी के रूप में मेरी भाषा निकल रही है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी भाषा का ये पैसेज है। तो इस पैसेज को मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कुछ डॉक्टर से डिस्कस किया,
उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ बहुत अच्छे से आप इसको टेकअप कर रहे हैं। तो जो डिवाइन भाषा है जो परमात्मा के घर से आई है उसको मन रिकग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि मन को इन्फॉर्म नहीं किया। मन तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, किसी को आपने इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर, किसी को तमिल, किसी को इंग्लिश सिखा दी, किसी को फ्रेंच सिखा दी, तो जो उसको सिखाया बस वही जानता है। अब ये भी बताना था कि भाषा तो परा से उतरती है, और परा से जो उतरती है भाषा उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसके जो गुण है भाषा के, वो प्रेम, दया, क्षमा, विवेक, धैर्य, शील, नम्रता, निर्भीकता, स्टेट ऑफ आर्ट, प्लानिंग एबिलिटी, उसकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी, लेट अस फेस एज इट कम्स, जस्टिस और एप्रिसिएशन से परिपूर्ण भाषा जो प्रेम भरी होनी चाहिए थी वो परमात्मा ने आपको आपको दिया। और आपके मन को जब वो देने की बात हुई तो मन ने तो रिकग्नाइज नहीं किया, क्योंकि वो तो प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड है, उसको ये ज्ञान दिया ही नहीं गया कि भाषा परा से उतर रही है और उसको उसका एनालिसिस करना है कि भाषा कहाँ से उतरी, क्या उतरी, कैसे बोलना था। तो मन ने अपने गुणों से, जैसे बहुत अच्छे से आशुतोष जी ने एक्सप्लेन किया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, भय और चिंता मन के गुण हैं, और उसने अपने गुणों से ब्रेन को ट्रिगर कर दिया हाई टाइड लो टाइड के द्वारा। जैसे सारे ब्रह्मांड को जो शक्ति है, जो ब्रह्मंडी मन मेरे मन को ऑपरेट करता है कर्म विधान के अनुसार, तो इस प्रकार मेरे मन ने मेरे ब्रेन को ट्रिगर किया और इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स वहां से निकल के मेरे सारे शरीर में स्पंदन हुए, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बन गई, और बॉडी लैंग्वेज से वो जब मध्यमा में जाके और श्वास की नली से होता हुआ लैरिंग फेरिंग से मुख से वैखरी के रूप में निकल रहा है मेरी भाषा, तो दो जगह उसमें अज्ञानता की वजह से पोल्यूशन ऐड हो गया। एक तो मन ने, क्योंकि मन ने अपना पोल्यूशन ऐड कर दिया उसमें, और इसी प्रकार जो शरीर की जरूरतें हैं, भूख, कपड़ा, मकान, दुनिया के सामान, सेक्स और स्लीप, उन्होंने अपना पोल्यूशन ऐड कर दिया, और मैं लोकल ट्रुथ के अनुसार अपनी भाषा को बोल रहा हूँ। अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि वो ज्ञान दिया नहीं कि हम तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट हियर इन दिस बॉडी। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर ज्ञान का जो चर्चाएं हैं वो अगर इस दृष्टिकोण से हम लोग उसको मिला के समझ लेंगे तो सारे बच्चों को पता लग जाएगा कि पहले तोलो और फिर बोलो। तोलने का अर्थ है कि ये पता होना चाहिए कि आप परमात्मा से आई हुई भाषा बोल रहे हैं या मन के हिसाब से बोल रहे हैं या शरीर के हिसाब से बोल रहे हैं। तो मैं इस चित में इतना ही कह पाया आशुतोष जी, आई एम सॉरी आई took little more time in explaining the gist of my talk. Thank you. नहीं नहीं सर, ये जरूरी था और ये बात को हम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर नरेंद्र दत्त जी। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। डॉक्टर चांद भारद्वाज जी ने जो बात रखी है, मैं तो उसी बात को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ, बस संक्षिप्त में ही, कि जो भाषा में भी हमारी जो भाषा है विशेष रूप से संस्कृत, वो नहीं पूरे उसको मैं कहता हूँ वो ब्रह्मांड की भाषा है। जी। आप किसी भी अगर स्तर पे देखेंगे तो वो उपयुक्त रहेगी जी। और उसका उच्चारण भी हमें जो है जो स्पंदन देता है वो भी अपने आप में जो है एक विशेष महत्व रखता है। साथ ही विषय हमारा कोई भी हो, मैं तो कई बार कहता हूँ कॉलेज के दिनों से ही, कि विषय का ज्ञान एक तरफ है और विषय को डिलीवर करने के लिए जो भाषा का प्रयोग है वो दूसरा पक्ष है। तो हर विषय का जो ज्ञाता है वो एक अच्छा भाषाविद भी होना चाहिए, ये मुझे लगता है। जी, और होने की वजह से ही वो उस विषय का जो करने का उसका तरीका है तो उसके जो विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, उनमें है वो समझ आती है जी। ये एक मतलब दिक्कत रहती है, इसलिए भाषाविद माने शब्दों का जादूगर, ज्ञान की दृष्टि से भी, उच्चारण की दृष्टि से भी और उसकी समझ की दृष्टि से भी। तो मुझे लग रहा है इतनी ही बात मैं इसमें और जोड़ूं। जी ठीक है। तो किसी और का कोई टिप्पणी या कोई संक्षिप्त टिप्पणी या कोई प्रश्न हो तो फिर उसके बाद हम मुख्य वक्ता को आमंत्रित करें। जी डॉक्टर आनंद जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। हाँ, भाषा मैं समझता हूँ जब तक कि प्योर साउंड है जी।
और अभी ये प्योर साउंड अगर है तो कुत्ता कैसे भोंकता है, ये अगर हम लोग भारतीयों को पूछेंगे तो अक्सर जवाब आएगा बूबू। अमेरिकन को पूछेंगे तो वो बोलेंगे वुफ वुफ। रशियन को पूछेंगे तो वो बोलेगा कुफ कुफ। अभी ये तीनों जो है, तीनों उच्चार करीबन एक जैसे है, मगर जब हम लोग मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना में जाते हैं तो चाइनीज कुत्ते जो भोंकते हैं तो उनको बोलते हैं वैंग वैंग, या इंडोनेशिया बोलते हैं गोंग गोंग। अगर ये प्योर साउंड है और अपने सामने कुत्ता बैठाया है और चार पांच अलग अलग देशों के लोग है तो ये तो प्योर साउंड है, मगर कोई तरह से गोंग गोंग और वैंग वैंग ये जो उच्चार है वो भूभू या कुप कुप के साथ नहीं मिलते। तो यहाँ तो प्योर उच्चार है, प्योर साउंड है, प्योर आवाज है, उसका भी अपभ्रंश हो गया है इन तरह से। क्योंकि जब मैं चाइनीज आदमी को पूछूंगा कि कुत्ता कैसे भोंकता है तो वो बोलेगा गोंग गोंग, जहाँ पे एन साउंड है वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो भाषा का ये भी एक लिमिटेशन है कि एक बार भाषा बन गई तो जो आवाज आप सुन सकते हैं उसके ऊपर भी लिमिटेशन आ जाती है। और जैसे हम लोग थाईलैंड में जाते हैं, थाईलैंड थाई भाषा इंटोनेशन वाली भाषा है, जहाँ पे मिड टोन, हाई टोन, लो टोन इनका महत्व होता है। हमारी कोई भी भाषा टोनेशन वाली भाषा नहीं है। तो वो जो भी बोलते हैं, कोका कोला उन्होंने बोला तो हमको कोका कोला ही सुनाई देता है, पेप्सी बोला तो पेप्सी सुनाई देता है, मगर जब हम लोग पेप्सी बोलते हैं तो पेप्सी सुनाई नहीं देता, उनको पेप्सी इस तरह से बोला तो ही सुनाई देता है इन हायर टोनैलिटी। दीज आर द टू पॉइंट्स आई वांट टू मेक आउट, हाउ डिड दिस ओरिजिनेट व्हेन द साउंड इज प्योर। ओके, दैट्स गुड। डॉक्टर आनंद जी जो हैं वो साइकेट्री के साथ डील करते हैं और उनका उसमें बड़ा विशेष उनका उस पे अधिकार है, उनकी बात को भी हम लेंगे। जी, आप अपनी बात आरंभ कर सकते हैं। मैं सब बंधुओं को नमस्कार, परिचर्चा बहुत अच्छी ढंग से अग्रसर हो रही है, इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस परिचर्चा में इतने गंभीर विषयों को हम इस प्रकार से आज के संदर्भ में बैठ करके विचार कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैं जो कह पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा शायद ना कह पाऊँ स्वास्थ्य के कारण, लेकिन ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संस्कृत में एक विशेष बात जो है वो ये है कि प्रत्येक शब्द जो है वो अपने आप में, उस प्रत्येक शब्द का एक अपना औरा, एक मंडल बनता है, और वो जो आभा मंडल बनता है उसका, और वो कैसे बनता चला जाता है एक शब्द, क्योंकि संस्कृत में कोई भी असंस्कारित शब्द का प्रयोग नहीं होता है, संस्कारित का ही प्रयोग होता है। तो संस्कारित शब्द जो है वो अकेला भी इस्तेमाल करें तो उसके भाषा के अंदर हम जब जाते हैं तो भाषा जो है वो भावों की, विचारों की वाहिका है, उसी के माध्यम से हमारे विचार या भाव एक दूसरे के साथ पहुंचते हैं, मिलते हैं। हम स्वयं भी अंतःसंजल्प रूपा, जिसे वाक कहते हैं, कि जो भीतर ही भीतर हमारे भाषा चलती है, बाहर नहीं आती, वैखरी नहीं बनती है, लेकिन उसका हमारा पक्ष वैखरी जो है वो आप थोड़ा अंतर्मुखी होकर के हम स्वयं भी बैठ करके विचार करते हैं। तो उसमें भाव शब्द जो है उसको भी परिभाषित कर दिया और भाषा को भी ठीक ढंग से समझने का प्रयास किया गया। और जैसा पूर्व वक्ता ने प्रतिपादन किया है उसका, कि ये उसमें वैखरी, पश्यंती, मध्यमा और ये सारा क्रम जो है वो
बड़ा महत्वपूर्ण है और ये ठीक बात है कि भाषा को लेकर के भाषा शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता, संस्कृत में वाक शब्द का प्रयोग होता है, वाणी शब्द का प्रयोग होता है, भाषा शब्द का प्रयोग संस्कृत में बहुत ही बहुत कम मिलेगा आपको। तो वो वाक जो है, वो वाक का मूल क्या है, वो वाक में मनसि प्रतिष्ठिता, ये हमारी जो आर्ष प्रार्थनाएं हैं वैदिक, उनमें वो कहते हैं मेरी वाणी पहले मन में प्रतिष्ठित हो और मन जो है वो वाणी में प्रतिष्ठित हो और उसके बाद मैं कहूंगा कि जो प्रकाश है वो मेरे भीतर आना चाहिए। अब ये जो प्रकाश उतरता है ये भाव और विचार के रूप में उसके अंदर उतरता है। माने अगर देखें तो विचार और भाव जो हैं वो वाक के ही एक एस्पेक्ट्स हैं, उसी के एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि मूल में हम लोगों ने एक बात समझी कि जैसे किसान किसी वृक्ष को जब आरोपित रोपता है तो रोपते समय पहले वो पानी डाल लेता है, फिर उसके अंदर वो उसमें बीज बोता है, तो बीजा वृक्षो यथा, बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से फल और पुष्प बनते हैं। वो एक ही तत्व का विकास, यानी वो वाक का ही सारा विकास है, भाव रूप और विचार रूप। लेकिन विचार और भाव को इस तरह से नहीं लिया गया है कि जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद, ये भाव ये हैं चित्त की वृत्ति विशेष हैं, ये वृत्तियां हैं। वृत्ति जो है ये ऐसे कि जैसे पानी हर वक्त हिलता रहता है, पानी का स्वभाव है कि हवा लगती है तो हिलता रहता है, हमारे श्वास प्रश्वास से मन का हिलते रहना ये वृत्ति विशेष है। तो वृत्तियां तो बहुत बनती रहती हैं और उन एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को काट जाती है, दूसरी वृत्ति तीसरी को काट जाती है। लेकिन विचार है कि जो धारा रूप में, जब एक वृत्ति जब धारा रूप में प्रवाहित होने लगती है तो विचार बनता है। जैसे आज हम वाक के ऊपर विचार कर रहे हैं तो माने धारा रूप में वाक के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। अब ये विचार बनेगा कि हम वाक के ऊपर, ये इसमें थॉट नहीं है, ये थॉट नहीं है, ये एक एक थॉट दूसरे थॉट को चित्त का वो है, एक तरह का आवर्त है चित्त का जो है वो बदलते रहना, चित्त का उसमें थॉट्स हवा उठती रहनी, वृत्तियां बनते रहना, वो कारण उसका है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, वो सारे दूसरा पक्ष है। लेकिन जब आप स्थाई भावों की बात करते हैं तो स्थाई भाव जो हैं वो समाज में वृत्ति विशेष को एक सांस्कृतिक जो गुरु लोग हैं वो धीरे धीरे माता पिता घर से लेके आगे तक वो एक स्थाई भाव बनाते हैं। जैसे आपने स्थाई भाव बनाया कि ये माँ है ये पिता है और वो जीवन भर आपका परिचय, उनकी मृत्यु के बाद भी आप परिचय देते हैं तो आप कहते हैं वो हमारे पिता थे। पिता क्या है, शब्द है या भाव है? तो वो माता क्या है, एक शब्द है या भाव है? तो भाव जब बनते हैं, ये भगिनी भाव है, मित्र भाव है, ये सारे भाव जो हैं वो स्थाई भाव हमारे बन जाते हैं और उन भावों के सिर पर समाज चलता है। स्थाई भावों के सिर पर ही ये रचना सारी चलती है, आपका काव्य नाटक जो भी चल रहा है, ये एक उसमें स्थाई भाव रहता है, वो स्थाई भाव शुरू से लेके नाटक की रचना काव्य की रचना के अंत तक वो एक स्थाई भाव चलता है, उसके बीच में दूसरे छोटे छोटे भाव आते रहते हैं। इसलिए भाव को संस्कृत में बहुत अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया है। भवंति भावा भूताना मत एव पृथक विधा गीता में कहता है, भाव जो है वो एक हमारी एक क्रिएटिव वस्तु है। भाव हमने ये भाव बनाया कि गुरु के प्रति अतिथि देवो भव मातृ देवो भव, ये जो है ये एक प्रकार का भाव हम बनाते हैं और फिर वो भाव जब समाज में स्थायी होते हैं तो उससे समाज चलता आगे होता। तो इस तरह से विचार की प्रक्रिया और भाव की प्रक्रिया, ये दोनों ही इनका मूल वाणी में है और वाणी का मूल किस में है, रस में है। बिना रस के विचार और भाव नहीं बनते हैं। जब आपको किसी चीज में रस आने लगता है तो वो आपका विचारधारा बनती है,
तब हम कहते हैं कि देखिए विचारधारा, भावधारा, और वो सारी भावधारा जो चलती है हमारी, वो इसी तरह से चलती है कि आदि से लेके अंत तक हम कहते हैं इसका शोक स्थायी भाव है। सारी वाल्मीकि रामायण को पढ़ जाइए तो पढ़ने के बाद आप कहेंगे इसका स्थायी भाव क्या है, तो आप कहेंगे शोक। कहा शोक स्थायी भाव है, तो फिर शोक तो वाल्मीकि को भी शोक हुआ होगा। उसने कहा नहीं, वाल्मीकि को शोक नहीं हुआ। वाल्मीकि में ने उसका जो तादाद में था उस पक्षी के क्रंदन के साथ, उस तादाद में से उसके अंदर जो एक यूनिवर्सलिटी भाव के माध्यम से आई, उसके अंदर उसमें करुणा का उदय हुआ। तो सारा वाल्मीकि रामायण का जो रस है वो करुणा है, और भाव उसका शोक है। ऐसे ही आप देखेंगे वीर रस के विषय में करेंगे, श्रृंगार के करेंगे, क्योंकि 8 रस भरत ने और साहित्यकारों ने, किसी ने 9, 10 से ज्यादा कोई नहीं गया, वैसे आगे पीछे करते रहते हैं लोग। लेकिन भाव हमारे एक निश्चित वो है जो ह्यूमन क्रिएटेड है, और ह्यूमन भी विशेष रूप से जो संस्कार युक्त लोग हैं, जिन्होंने समाज को चलाने का, स्वस्थ समाज को चलाने के लिए वो चित्त की वृत्तियों का परिशोधन करके उनको बनाते हैं और उनका फिर परिपोषण करते हैं कलाओं के माध्यम से, तो वो भावधारा बनती है। और ये भावधारा वैदिक काल से लेके अब तक आप गायत्री मंत्र पढ़ते आ रहे हैं। गायत्री मंत्र क्यों पढ़ते आ रहे हैं, अब वैदिक काल में था तो वैदिक काल में आपका जो भोजन बनता था वही आप आज भी श्राद्ध में बनाते हो, आप कहते हो कि पायसम। तो भाव वो जो उस वक्त था कि दूध और चावल का मिश्रण जो है ये उसमें बनेगी पायस, आज भी वही उस भाव को आपने उसी के साथ चल रहे हैं। इसलिए भाव को हमें वृत्तियों से अलग करना चाहिए कि वृत्ति जो है वो अलग चीज है, वो है मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी का माने ये है वो कहीं भी आप गली के अंदर एक डॉग घूम रहा है, उस कुत्ते से आप पूछेंगे वो मिस्टर डॉग व्हाई डिड यू गो देयर, वो क्या हो, उसको कोई उत्तर नहीं है। क्यों गए, कैसे गए, नहीं गए, इसके पीछे कोई उसका संकल्प, क्यों मन किया, उठे चले गए। तो वहां पर जो वृत्ति विशेष है, वृत्ति से परिचालित होकर के उसके मन में उठा कि चलो चलते हैं, चल पड़े। लेकिन भाव में जागरूकता है, विचार में जागरूकता है, इसमें भाषा जो है आकर के सफल होती है, वाणी जो है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनि जो है वो वाक नहीं है, ध्वनि जो है वो वाक की वाहिका है। वाक का जो स्फोट है, जो उसके भीतर से अर्थ आता है, उस अर्थ को वहन करने के लिए ध्वनि का सामर्थ्य आता है हमारे पास, और हमने उसमें उसकी उन शक्तियों को पहचाना वाक की, कि वाक के अंदर एक है वाच्यार्थ देने की शक्ति होती है, और दूसरा उसके अंदर वाक जो है उसके अंदर शक्ति होती है, लक्षणा की शक्ति होती है, व्यंजना की होती है, अभिहितान्वय की होती, तात्पर्य की होती है। तो उन सब को पहचान करके एक परंपरा सुदीर्घ काल से चली आ रही है जिसका नाम है संस्कृतज्ञों की परंपरा, कि संस्कृत के माध्यम से अब देखें कि ये देश कितनी, इसका लंबा इतिहास है, इतने लंबे इतिहास में कहीं हमारा ये संस्कार नहीं टूटा कि संस्कृत एक भाषा उत्तम भाषा है। संस्कृत में जैनों ने भी जो शास्त्र लिखा संस्कृत में, बौद्धों ने लिखा, वो चाहे मध्यमक ग्रंथ है, नागार्जुन के हैं, बुद्धिस्ट ग्रंथ, जो उत्तम लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया। क्यों, क्योंकि संस्कृत की ये एक सामर्थ्य ऐसी है। अब पश्चिम में भी लोग जो हैं, उन्होंने उनके जब संस्कृत वहां गई तो उन लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य था कि ये एक विचित्र भाषा है, इसको अगर हम आर्टिफिशियल कह दें, कुछ लोगों ने कोशिश की बनाने की कि ये कृत्रिम भाषा है भाई, बनाई गई है, वैसे किया है, तो वो कहते थे कि नहीं, ये कृत्रिम भाषा नहीं है, ये सिद्धि की भाषा है, साधना की भाषा है। साधना के अंदर शब्द का पहले हम संस्कार करते हैं। भर्तृहरि ने जब ये बात कही होगी 7th सेंचुरी के आसपास,
कि प्रोक्त है यह शब्द संस्कार है सा सिद्धि परमात्मा, जो शब्द का संस्कार है वो परमात्मा सिद्धि का ही मार्ग है। प्रोक्त है यह शब्द संस्कार है सा सिद्धि परमात्मा, जो शब्द का संस्कार करना है तो संस्कारहीन शब्द का प्रयोग जो है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश जो है भोग के अंदर, अब देखिए एक शब्द आपको मैं देता हूँ, माता शब्द है। माता शब्द जब संस्कृत में प्रयोग होता है तो उसके माने वो पुलिंग में भी होता है, वो स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। माता शब्द के मैंने माँ भी है, लेकिन माता शब्द के मैंने प्रमाता भी है, नोअर। और जैसे नोर बनता है तो नोर के साथ माता मान मेय त्रिपुटी बन जाती है, कि माता जो है वो प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानने का प्रयास करता है। लेकिन इसका अपभ्रंश रूप अगर हम लें हिंदी पंजाबी में या दूसरी भाषाओं में, तो उसमें माँ शब्द है वो केवल माँ का ही बोधन कराएगा और किसी वस्तु का बोध नहीं कराएगा, शेष उसमें नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि संस्कृत में प्रत्येक शब्द सुबंत है या तिंगंत है कि विवर्ग है या वो नाउन है, जब उसका प्रयोग होता है तो संस्कारित प्रयोग होने के कारण वो जीवन के एक व्यापक और उदात्त पक्ष को उठा करके हमें ले जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, देखो जो नीचे से आपकी शक्तियां हैं, वो नीचे से जो आपका उच्चारण है, संस्कृत के पाठ मात्रा भवेत प्राज्ञ ब्रह्म निष्ठ पुनः पुनः, आप देखेंगे कई स्तोत्रों के अंत में लिखा होता है कि एक सिर्फ नहीं भी अर्थ समझ में आया कोई बात नहीं बेटा, पाठ मात्रा भवेत प्राज्ञ, पढ़ने मात्र से ही आदमी प्राज्ञ हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है। ब्रह्म निष्ठ पुनः पुनः पाठ मात्र का ही इतना फल बता दिया, तो मीनिंग जो समझता है वो तो उत्तम है, लेकिन जो पाठ मात्र करता है उससे उसका प्राणायाम भी होता है, आसन भी बनता है, यम नियम सभी कुछ उसका बनता है साथ साथ। तो संस्कार, संस्कृत जो भाषा है वो संस्कृति की भाषा है, सभ्यता की भाषा शायद कम है, वो संस्कृति प्रदान करती है। तो हमारे पास एक शब्द की संस्कृति है, हमारा राष्ट्र आर्यन अनार्यन के चक्कर में नहीं पड़ा, वो संस्कृति के चक्कर में पड़ा कि एक संस्कृति का सूत्र है, वो गंगे उसमें भवभूति उत्तर रामचरित को जब करते हैं तो अपना समापन सत्र जब करते हैं नाटक का उत्तर रामचरित का, उसमें हमें याद है कि उसके बेस पर राम जो फिल्म बनी थी, लोग कैसे उसमें 3 घंटे कैसे एनग्रॉस बिल्कुल उसमें जैसे लिप खोए हुए हो जाते थे और रोते हुए सब बाहर निकलते थे, तो एक स्थाई भाव जो था वो करुण रस में लोगों की आंखों से बहता था, और उसके मूल में कथा थी भवभूति का उत्तर रामचरित, जिसमें वो कहते हैं कि पापमभ्यष्ट पुनः सेम कथा, ये जो राम कथा है ये पापों से पवित्र कर, पापों से अलग करती है, पापमभ्यष्ट पुनः सेम कथा, और ये कथा जो है ये मनोहराज सत्य महादेव ये मंगल मांगलिक है, मनोहरणी है, ये माँ की तरह रक्षा करती है, ये कहानी समाज की रक्षा करती है कथा। तामे ताम परिशील विन्यस्त वाणी बोधा, तो इस राम कथा को जो मैंने दी है आपको, तामे ताम परिशील विन्यस्त वाणी बुधा, यहाँ ध्यान रखना कि ये विन्यस्त वाणी, विन्यास शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है संस्कृत में, वही शब्द होते हैं, वही शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं, कवि लोग भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कवियों की वाणी में विन्यास, एक विन्यास आप समझते हैं कि जैसे केशों का विन्यास, एक कैसे उनका संस्कार करके उनको कैसे बांध लिया, फिर आपने अपने स्नान आदि करके आपने वस्त्र पहन करके अपना विन्यास पूरा कर लिया है। तो ये तामे ताम परिशीलन तो अभिनय, इस राम कथा को लोग अभिनय के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, मंच के माध्यम से, अभिनय ही
अभिनय के द्वारा इसका परिशीलन करें, क्यों ये विन्यस्त वाणी इस जिस भाग के अंदर ये लिखी गई है और उसका अपना एक विन्यास है, वो लौकिक मात्र नहीं है, वो लौकिक और अलौकिक के बीच का संधि है, वो लौकिक से अलौकिक में ले जाती है, अलौकिक में लौकिक में ले आती है। इसीलिए संस्कृत का इसके अंदर जो विचार है उसकी भी निर्मिति की प्रक्रिया बनाई गई कि राम ये देखो वशिष्ठ से कहते हैं कि बहुत लोग हैं गुरु व्यवस्था बड़े गुरु हैं दुनिया के अंदर बने हुए, शिष्य भी ताप हार का सब शिष्य के वित्त का ही अपहरण करने वाले बन जाते हैं। बिरलास्तु विचारे ये शिष्य संताप हार का, राम जी वशिष्ठ कह रहे हैं उसको गुरु उपदेश कर रहा है, वो बड़े विरल हैं जो विचार से शिष्य का संताप हरण करते हैं। दो आप विचार शब्द का प्रयोग करके देखिए, विचार का यहाँ क्या मतलब है, थॉट है, निधि ध्यासन है, श्रवण है, मनन है, निधि ध्यासन है, क्या है वो एक विचार जो है वो आप चाहे बिना विचारे जो करे सो पासे बसता है, चाहे आप लोक में चाहे आप बाजार में मार्केट में जाए, विचार जब आप करते हो तो विचार आपको वहां पर क्लैरिटी देता है, स्पष्टता देता है। इसलिए विचार शब्द का प्रयोग संस्कृत में जब होता है तो वो एक सार्थक प्रयोग है उसका, उसके पीछे उसका जो मोटिव है वो आप देखिएगा क्या है उसके। ऐसे ही भाव शब्द का भी जब हम प्रयोग करते हैं तो स्थायी भाव है, व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव है, अनुभाव है, विभाव है, जितने ये शब्द हैं ये सभी शब्द जो हैं ये बड़े ही अद्भुत अपनी एक व्यंजनाएं देते हैं। इसलिए ये मुख्य रूप से ये सभी एक भाषा जो है वो भाषा के ही ये एक प्रकार से वाक जो थी जिसे आपने बड़ा सरलता से बता दिया, तो परा वाक जो है वो परा तक ही नहीं रहती है, परा जो है वो पश्यंती में बदलती है। पश्यंती जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, परा ही पश्यंती में बदलती है, पश्यंती ही मध्यमा में बदलती है, मध्यमा ही बेहतरी में बदलती है, ये सृष्टि क्रम है। लेकिन वही जब ओम में ऊपर की ओर जाती है तो बैखरी से मध्यमा में, मध्यमा से पश्यंती में, पश्यंती से परा में अपना समाधि लगा के बैठ जाती है, समाधिस्थ हो जाती है। इसलिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत का इस दृष्टि से महात्म्य समझना कि उसके मूल में रस है। जितने आपको वैदिक मंत्र मिलेंगे उनके अंदर ये किसी को आज तक लोग जो है लिख लिख के थक गए, ये रस शास्त्र रस है, रस रस, किसी को पता नहीं रस क्या है, रस क्या है, इतनी व्याख्याएं हैं, इतना सब है, तो उसमें लेकिन समझने वाला जो है वो उसमें से चुन लेता है, वो पकड़ लेता है कि रस ये है। अपागुम रसमुद्वयम सूर्य संतगुम, मुझे सूर्य की किरणों में रस नजर आता है, मुझे सूर्य की किरणों में मधु नजर आता है, सूरज की रश्मियां जैसे शहद की मक्खियां जो हैं वो बनाती हैं, ऐसे ही सूर्य की रश्मियां जो है उनमें से मधु जल रहा है पृथ्वी के ऊपर। वो हंस सूर्य के लिए प्रयोग शब्द किया, हंस शब्द का प्रयोग कर दिया। अब हंस है शुचि शत वसुर अंतरिक्षत होता वेद दर्शी द्रोण शब्द निषदत वर्षत ऋतसत व्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत, ये बृहत रित है। ये सूर्य किसके आधार पर चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोक भाषा तो नहीं चिंतन कर सकी। संस्कृत रित के लिए सात सीढ़ी ऊपर जाना चाहता है, भुवः स्वः महः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। संस्कृत वहां जाती है और वहां से जाकर के वो सप्तमें सत्यम लोक से फिर उसको साधक को नीचे उतार लाती है। पहले चढ़ने को विवश करती है गायत्री के रूप में, फिर उतरने को विवश करती है। इसलिए संस्कृत जो है वो श्रेष्ठतम, उसको भाषा वाणी मार, उसको भाषा ही नहीं है, वो संपूर्ण जीवन को श्रेष्ठतम बनाने की प्रक्रिया
वाक के माध्यम से जी संस्कृत के आचार्यों ने बहुत पहले समझ लिया था कि ये शब्द ही है जो मनुष्य का वास्तविक व्यक्तित्व है। आदमी जो बोलता है वही तो वो है। उपनिषदों के अंदर बार बार कहा ये यो यत् सद्दस्य एव सः, ये आदमी जो मुंह खोलता है, मुंह खोलते पता लग जाता है कि ये क्या है। मुंह खोलने से पता लग जाएगा कि ये किस श्रेणी का है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो वाक है इसका बड़ा ही संयत प्रयोग, संस्कारित प्रयोग होना चाहिए, और अदरवाइज ध्वनि के रूप में और जो है। अब उसमें पतंजलि ने एक नियम बना दिया, और वो पतंजलि ने नियम बना दिया, उसने कहा व्यक्त वाचो मनुष्य, मनुष्य जो है उनकी वाणी व्यक्त होती है। तो हम जब संस्कृत पढ़ते थे तो हमें लगता था कि ये अंग्रेजी में जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो वहाँ व्यक्त वाचो है ही नहीं, वाणी बीच में खा जाते हैं, वर्ड बीच में, उसमें एल साइलेंट है जी, फला उसमें साइलेंट है, उसमें हमें साइलेंट क्यों है भैया, क्यों साइलेंट है, या तो हटा दो या रख लो, दोनों में से कुछ करो जो भी कर सकते हो। लेकिन वो उसकी अपनी प्रक्रिया है। लेकिन संस्कृत ने अपने लिए जो चुना वो कहा व्यक्त वाचो मनुष्य, प्रत्येक शब्द की मात्रा, काल, स्थान, प्रयत्न, ये सब उसका पहले सीखना पड़ेगा। इस सीखने की प्रक्रिया को साधना कहा, और कहा स्वाध्यायो ध्येतव्यः, इसलिए संस्कृत के लोगों स्वाध्याय आत्मा वारे द्रष्टव्यः, अगर अपनी आप को देखना है तो स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय से मनन की ओर बढ़ो, सिर्फ किताब और गुरुमुख की तरफ ही न देखते रहो, आगे बढ़ो। निधिध्यासितव्य, और एक धारा में बहना सीखो। एक है कि डूब जाते हैं पत्थर, एक है कि वो तैरने का आनंद लेते हैं, तुम उसमें स्विम करना सीखो। तो ये उसके अंदर ये स्विमिंग का भाव जो है, तैरने का। अब परम जी जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं ये क्या है, ये भाव है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ क्या है, ये चार भाव हैं। उन्होंने कहा कि धर्म का समुद्र, ये पीठ के पीछे धर्म रहना चाहिए, और दाई ओर अर्थ रहना चाहिए, पूर्व की ओर काम रहना चाहिए, और उत्तर की ओर मोक्ष रहना चाहिए। चारों दिशाओं में संस्कृत ने खोल दिया, चारों वेद हैं, चारों वेदों का, चारों तरफ से आपका एक उन्मुक्त जीवन जीना है। अगर उन्मुक्त जीवन जीने के लिए, क्योंकि जीना सार्थक, सार्थकता के साथ जीना, ये प्रत्येक आर्ष परंपरा के लोगों के जो उत्तराधिकारी थे वो लोग बहुत देर तक इस व्रत का पालन करते रहे कि उसमें मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, आविराबीर में ये थी, हे प्रकाश पुरुष अब मेरे सामने ऐसी स्थिति में तुम मेरे आगे प्रकट हो जाओ, वेदस्य मवाणी स्थ, वेद के प्रति मेरी श्रद्धा हो बनी रहे, श्रुतम मे मा प्रहासी, जो मैंने सुना हुआ है वो मुझे छोड़ ना जाए। तो ये उसमें विचार जो है वो भी एक चिंतन धारा जब बनती है, चिंतन जब धारा बनता है तो विचार कहलाता है, और वृत्ति जब स्थायित्व की ओर बढ़ती है और वो एक भाव जो है उसके पीछे बड़ा पूरा कल्चरल विचार की बैकग्राउंड है, उसके पीछे बड़ी सोच समझ है, उसके पीछे भाव ऐसे नहीं बना। प्रेम जो है रति स्थाई भाव है, रति स्थाई भाव है, रति स्थाई भाव से रस क्या बनता है, श्रृंगार बनता है। तो रति का अर्थ क्या किया कि रत्यादि स्थाई भाव जो है उनमें औचित्य का ध्यान रखा गया, कि किसी की भी रति को आप एनिमल रति है जो है तो उसमें श्रृंगार नहीं देखेंगे हम, लेकिन मनुष्य की रति में हम श्रृंगार देखते हैं, उसके अंदर सौंदर्य देखते हैं, और ये शब्द का सौंदर्य, इवन ऐसे ऐसे जो पोइट्स कवि हुए हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ ये बताऊँ कि एक कवि शब्द है
कवि का ट्रांसलेशन हम लोग पोएटी पोएट करते रहे, बड़ी विचित्र स्थिति रही कि पोएट और कवि का क्या, कवि शब्द का कुछ अर्थ ही अलग है और कवि तो चित्रकार को भी हम कवि कहते थे, मूर्तिकार को भी कवि कहते थे, हम स्थापत्यकार को भी कवि कहते थे। कवि के माने सिर्फ कवि नहीं, कवि के माने सिर्फ कविता लिखने वाला वही नहीं है, चित्रकार जब चित्र बनाता है तो वो कविता ही करता है। देवस्य पश्य काव्यम्, अरे ये चित्रम देवानाम उद्वादनिकम चक्षुर्मित्तस्य वरुणस्य आत्मनः। तो ये संस्कृत की ये ऐसी महिमा है, तो उसमें विचार और भाव एक ही भाषा के ही ये तीन डिफरेंट लेयर्स हैं, तीन अलग अलग हैं जो अपने मूल में एक हैं, इसलिए उनमें परस्पर अन्विति नजर आएगी। संस्कृत में अन्वय का बड़ा महत्व है, तो अन्विति नजर आएगी उसके अंदर, आपको मिलेगा कि बहुत सारा जो है ये वाणी जो है मेरी, मेरा जो शब्द है, नमो वाचे नमो वाचस्पते, वेद में प्रणाम करते हैं, मैं उस वाणी को प्रणाम करता हूँ। कौन सी वाणी को प्रणाम करता हूँ? ओम नमो वाचे नमो वाचस्पते याचोदिता याचनोदिता, वो वाणी जो मेरे मुंह से निकल रही है, स्पष्ट हो रही है, और वो वाणी जो मेरे भीतर जो बोली नहीं गई है, दोनों को ही नमो ऋषिभ्यः मंत्रकृतभ्यः मंत्रपतिभ्यश्च मामाम ऋषियो मंत्रकृतः मंत्रविद प्राद, मुझे मंत्रकृत ऋषियों ने वाणी दी, उन्होंने कहा बेटा तुम यही बोलोगे, गालियां नहीं निकालोगे। मामाम ऋषियो मंत्रकृत मंत्रविद प्रादुर दैवीं वाचमुद्यासम जुष्टाम देवीभ्यः, तुम संस्कृत का अनुशीलन करोगे, तन्मा देवा अवंतु शोभाई, तो उससे आपका एक परिवेश अलग बनता है। अब ये जब हिंदी पढ़ते थे तो उसमें बड़ी समस्या आती थी कि एक पोइट कह रहा है तुम जनमन में बोल, तो मेरी वाणी क्या तुम्हें चाहिए अलंकार, तुम जनमन में बहन कर सको मेरे विचार, तो जनमन विचार वाक कैसे ले जाए? आज आपका थॉट एक है, कल को थॉट बदल गया, कल को आप दूसरी थ्योरी में चले गए, परसों तीसरी थ्योरी में चले गए, क्रम जो है उसके अंदर एक निरंतर ना होने से दिक्कत आती है, परेशानी होती है। तो वो हमारा एक पीरियड रहा जिस पीरियड के अंदर हम संस्कृत के प्रति उपेक्षा बुद्धि से, लेकिन अन्यथा इससे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा जो है, और वैज्ञानिक भी नहीं शब्द आज ऐसे आधुनिक एक बीमारी से बन गई, वैज्ञानिक 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 नहीं, ये प्रज्ञा की भाषा है, इसलिए चार कहा है, आज्ञानम संज्ञानम आज्ञानम संज्ञानम प्रज्ञानम विज्ञानम, चार ज्ञान के भेद किए हैं संस्कृत में उपनिषदों के अंदर। तो इन चारों को आप लोग समझिए, और इतने मैं समझता हूँ कि पर्याप्त जो मेरी समझ में आया आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया है, तो आशा है आप लोग उसमें धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और जो ध्यान में नहीं थी बातें, पता नहीं था जिनके विषय में, उनमें से जैसे कि वृत्ति का स्थायित्व, ये वृत्ति शब्द मैंने ऐड अप कर दिया बीच में क्योंकि ये मेरे से छूट गया था, और वृत्ति वाकई बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और इसके ऊपर तो अलग से ही एक चर्चा करने की अपेक्षा होगी। ये वृत्ति का स्थायित्व ही भाव बन जाता है और चिंतन की धारा विचार बनती है, ये एक आपने बड़े ठोस रूप में ये बात रखी। और ये भी लगता है कि समन्वय और रस, इन दो शब्दों को हमें थोड़ा सा और खोजना चाहिए, और अन्वय जो है वो संस्कृत की एक वे का अपनी तरह का वैशिष्ट्य है उसमें, तो अन्वय जो है एक बिल्कुल नया तरह का कॉन्सेप्ट है, और इसका जो है वो अभितान्वय और अन्वेताभिधान दोनों में ही इसका प्रयोग होता है।
तो कई सारी बातें उभर के आई हैं, कई सारे पक्ष हैं, लेकिन उसको फिर हम दोबारा से ठोस करने की कोशिश करें, विषय को और समेटने की कोशिश करें कि हमारी अपनी अपनी बुद्धि में क्या क्या समझ में आ रहा है। तो अब इसके ऊपर जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर चांद जी ही इसके ऊपर बात रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद इंदु शर्मा जी, जी सर, डॉक्टर सदानंद जी, आनंद जी। जी जी, मैं बहुत साधुवाद के कितने सुंदर ढंग से ये सब इन्होंने बयान किया, इसको एक्सप्लेन किया, बहुत ही इसमें बारीक बारीक निटी ग्रिटीज निकल रही हैं। और मैं कुछ विषय कहना चाहूँगा कि बॉडी और माइंड मिल के इमोशंस बनाते हैं, और इमोशंस हमें टेररिस्ट बनाती हैं, हमारे अपने लिए भी और बाहर वालों के लिए भी, क्योंकि अपना शरीर भी खराब होता है उन इमोशंस की वजह से, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष भय चिंता से। तो हमें निर्मोही होने के लिए उस ज्ञान से जुड़ना है जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो परा से जो भाषा उतरती है उसमें सभी गुण विद्यमान हैं, और वो तो हम डिवाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इमोशंस को हटा के और एक प्रैग्मेटिक भाषा जो के अपने उद्गम से निकली है, जिसमें प्रेम पहला विषय है, और प्रेम इज नॉट एन इमोशन, लव इज नॉट एन इमोशन, लव इज केयरिंग। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने प्रेम को एक्सप्लेन किया एट द लेवल ऑफ द माइंड एज लस्ट, एट द लेवल ऑफ द बॉडी एज सेक्स। सो आई वुड लाइक टू से कि जो हमारा आत्मा का गुण है प्रेम दया क्षमा, और उसका आत्मा का आउटर एक्सप्रेशन है हमारी अटेंशन, एंड दैट अटेंशन इज लाइक एन ओमनी स्कैनर एंड इट इज पार्ट ऑफ ऑल नोइंग ऑल प्रिवेडिंग। तो उसमें ज्ञान पूरा समाहित है, तो उस ज्ञान को अगर हम लोग समझ लें कि वो ओमनी स्कैनर है और मन की सभी इंफॉर्मेशन को मेरा विवेक देख सकता है, बिकॉज आत्मा का गुण है विवेक, तो उस इंफॉर्मेशन में जो मन ने इकट्ठी किया है उसमें से किस पर उसको एक्शन करना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रेम भरी भाषा बोलनी है, तो पहले तोलो और फिर बोलो वाला जो विषय है, ये मैं उसको दोबारा से रीइन्फोर्स कर रहा हूँ, ताकि हम इस विषय को समझ लें कि तो एनलाइटनमेंट तो उस आत्मा के ज्ञान को जानने से है कि हम ऑल नोइंग ऑल प्रिवेडिंग के पार्ट है, तो उसमें सभी सॉल्यूशंस हैं जीवन के, मन खाली इंफॉर्मेशन दे रहा है, और शरीर की अपनी जरूरतें हैं जो मन और शरीर मिलके टेंडम में काम करते हैं और वो इमोशंस बनाते हैं। तो इसलिए इस ज्ञान की चर्चा में जहां भाषा की बात है, अगर हमें ये पता लग जाए कि हम तो आत्मा हैं और मन हमने एक्वायर किया था, शरीर हमने बनाया था, सिंगल सेल से ह्यूमन बॉडी तक आए थे, क्योंकि ये सारा विषय आत्मा का ज्ञान जो है ना उसने कार्य किया है, और वो हर समय शब्द मार्ग से हमसे जुड़ी रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जीवन का वह स्रोत जो सुना जा सकता है, और अगर उसके आधार पर हमारी भाषा होगी तो बहुत प्रेम भरी भाषा होगी और बहुत सौहार्द्र आएगा, और अगर विद्यार्थियों को ये हम बता सकें कि उसका ओरिजिन वहां है और मन को ये इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि माइंड इज इंफॉर्मेशन बेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर ये एक आपने तर्क रखा है, और बड़े सुंदर इस बात के, मुझे लगता है और अधिक इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। आपकी बात को फिर लेते हैं, इसके बाद डॉक्टर इंदु जी आप कुछ कहना चाहते हैं, और उसके बाद डॉक्टर सदानंद जी, फिर प्रोफेसर अविनाश जी और आनंद गुरही जी, बाकी जो भी अपनी बात कहना चाहें। जी जी सर, नमस्कार, सभी को प्रणाम। बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत डीपली इन्होंने मुझे बताया, और सच्ची में ऐसा लगता है इनकी बातें सुनकर कि अगर कोई तकनीकी होती तो अंदर सब डाल लेते हैं दिमाग के अंदर, जो आत्मा तक पहुंच जाता। बहुत ही अच्छा आनंद आया, और मैं तो खाली ऊपरी तौर पे थोड़ी बहुत बताऊंगी संस्कृत के लिए। संस्कृत एक परिमार्जित तो शुद्ध शब्द है ना, थोड़ा सा लिखा हुआ है कुछ। संस्कृत शब्द सम पूर्वक कृत धातु से बना हुआ है, जिसका मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा, मतलब बिल्कुल शुद्ध जिसको संस्कार की हुई है। संस्कृत शब्द के अन्य अर्थ भी परिष्कृत, परिमार्जित, निर्दोष, अलंकृत, निर्मल और शुद्ध, मतलब पूर्ण रूप से यह भाषा शुद्ध है,
भारतीय ने संस्कृत को उसे ही माना और अशुद्ध अशुद्धि अपभ्रंश अपशब्द और भाषागत दोषों से परे थी। इसी अपरिष्कृत संस्कृत को ही देववाणी देवभाषा गिरवाणवाणी और गिरवाग्नि आदि नामों से उच्चारित किया। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में किया गया था। इसमें एक बहुत सुंदर बात बताएगी कि संस्कृत को बोलने वाले भी बहुत पवित्र होते थे। हनुमान जी विचार कर रहे हैं सीता जी को देख के, है ना जी। जब हनुमान जी ने सीता जी से किस भाषा में वार्तालाप किया जाए ये सोचते हुए कहा, यदि मैं द्विज के समान में संस्कृत वाणी बोलूंगा तो सीता मुझे रावण समझ कर डर जाएगी, है ना। तो इन्होंने एक श्लोक भी दिया इसके लिए नीचे, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। और सुंदरकांड में 5:14 में लिखा हुआ है। ये बहुत सुंदर विचार है कि संस्कृत कितनी परिष्कृत भाषा है। और आध्यात्मिक रूप से अगर मैं देखूं तो जैसे कि जो संस्कृत पढ़ता है ना, जो मन वाणी और आत्मा से एक हो जाता है, उसकी वाक सिद्धि भी पवित्र हो जाती है। और वाक सिद्धि पवित्र होने के बाद वो अशिक्षित व्यक्ति को भी कहता है तुम ये कार्य कर लो, तो मुझे लगता है उसकी ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ लग जाती है। मैंने ऐसा अनुभव किया। और जो अंगी मार से वाल्मीकि यात्रा है, मुझे उसमें भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। जब गुरुजनों की वाणी और आदेश उनको मिला तो आज वो पूजनीय है और सबके लिए वंदनीय है। तो संस्कृत तो वो परिमार्जित तो परिष्कृत भाषा है जिसकी तुलना की नहीं जाती। इसका एक एक श्लोक अगर सिद्ध कर लिया जाए तो वाक सिद्धि प्राप्त होना निश्चित है। बस मैं इतनी बात तो करूंगी। धन्यवाद 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 डॉक्टर सदानंद जी, अपने को अनम्यूट कर लें सर। अनम्यूट कर लें सर। हेलो नमस्कार 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 प्रोफेसर जी। नमस्कार 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 आशुतोष जी। नमस्कार डॉक्टर। आई थिंक वी आर having the present knowledge of soul as something beyond the reach of senses. And, we are trying to learn, we are trying to reach, we are telling that that is the source of all of us, all energy that is flowing, material energy etc., which is us and around us, and we are trying to learn what it is, but how far we have reached, how far our forefathers have reached, transgenerational transmission of knowledge, leave it aside, but a systematic classified systematic study of these truths behind the soul, universal soul, individual soul, etc. It is done mainly in the world by our country only, our Rishishwar Maharishis, and the process is continuing. It is not that this process of study has stopped. We have, apart from Gurugulas, we have universities, but Gurugulas still exist, ashrams still exist, rishis still exist, and their abode might have changed. For example, we all know Suridas. We all know Suridas. One station away from Agra is the birthplace of Suridas, Ranguta. And in the same state, Uttar Pradesh, we have a similar personality, Ramabhadracharya, Jagadguru Ramabhadracharya, and how he has almost in a similar manner propitiated God Almighty and brought certain facilities for people who are having difficulties in the faculties, physical faculty. If the mental faculty is intact in his university which he has founded, we will be able to, one will be able to
develop the personality, acquire skills, and acquire employable skills. These are the practical aspects. But what about the study, our study of the soul? It is not there in psychology. Psychology doesn't study about the soul. Now, when we were students in the 80s, we were told that the World Health Organization will be including the spiritual component of health, physical, psychological, social, and the fourth dimension is spiritual. The process had started long time back, but it has never reached a culmination. The definition of health remains within the three dimensions only, physical, psychological, and social. Spiritual is still to be added to the definition. Now, there is a difference, major difference between the thinkers of the West and the thinkers of the East, thinkers of especially Bharat. We are considering the force which is governing all of us as God Almighty, the universal soul, Jagan Niyantav. And in the West, it is entirely the opposite. The all-powerful position. The human beings want to grab that position and exist there. In general, this is what is happening. This kind of thought process, it is expressed in by some of the authors, like in the book Homo Deus, human being as God. In that book, it is very clearly expressed. Now, coming to the mental health and the concept of mental health, I feel that itself is having a fault. Okay. The mental health, suppose you are talking about mental health, we are dividing mental health from physical health. How it is possible? The body, soul, mind. The soul, according to Bharatiya psychology, Indian psychology, which you can get Yodina Sinha, B. Kuppuswamy, Professor B. Kuppuswamy, and many other professors of psychology who have delved deep into the Bharatiya thinking and incorporated it into psychology and formed another branch called Indian psychology. There only there is a mention of the soul. And the people who are dealing with it are mainly by the rishis, and they have developed a science called the spiritual science. And the incorporation of the spiritual dimension into the health definition of health is yet to take place. Now, coming to today's topic, Bhasha and its rules and regulations, how did it all happen? There is a process of relay race, an evolution, a transgenerational transmission, which is happening. This Shakti, suppose you go through the shlokas, which are semi-Sanskrit, semi-Malayalam. Kshipraprasadi Bhagavan Gananayago Me Vignangal Tirtu Vilayaduga Sarvagalam. സർവത്രകാരിണി സരസ്വതി ദേവി വന്നൻ നാവിൽ കളിക്ക കുമുദേഷു നിലാവു പോലെ. വി ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഗോഡസ് സരസ്വതി ടു കം ആൻഡ് ഡാൻസ് ഇൻ അവർ ടങ്. നോവം ചോംസ്കി, ജിറോം ബ്രൂണർ, ജാൻ പിയാഷെ, വൈഗോട്സ്കി, ദീസ് ആർ ദി ഓതേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് വെദർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഇന്നേറ്റ് ഓർ അക്വയേർഡ്. According to Vygotsky, it is acquired by interaction with the surroundings, whereas Piaget says it is genetically mediated. Noam Chomsky
says that it is coming from the blues. He only is giving some consideration for the Eastern thought, just like that of, we can say, Carl Jung, who was a disciple of Freud, but separated and incorporated Eastern thoughts into the modern, so-called modern psychology. So, we have got to really systematically study about the soul concept, which the Bharatiya Rishis has invented and placed before us for transgenerational analysis, refinement, research, and progress. Thank you, sir. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. Now I invite Dr. Anand Durheji to briefly share his views, and then followed by Professor Vinash Ji and then R.K. Gupta Ji. Anand Ji. Very beautifully presented, and thank you very much. At the same time, I will again ask the same question which I had asked before, that when it is a pure sound, why it is getting interpreted differently in different places? Right. Because again, Sanskrit is the language of sound, and we give so much importance to the chanda, shiksha, and kalpa. So, and right. and that is why it is transmitted by maukhik parampara, not because writing was not known, but in maukhik parampara it is three-dimensional transmission of the sound and the tone and all other things. So when we are giving so much importance to the sound itself, why does the sound get misinterpreted? So what solution do you offer for this? I don't know the problem itself. I don't know the why. When I know the why, then I can go into how. Okay, theek hai. We'll take it up later on. Ji, Professor Avinash Ji. Sir, pratham main sabko bhuri bhuri prashansha karta hu is vilakshan aalekh ke liye, bahut informative tha. Aur mujhe baat samajh mein aayi ki jab tak man shant na ho, tab tak kisi cheez ka vivechan और उसका प्रेक्षण सम्यक रीति से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक कविता हमने सुना है, चरण धरत शंका करत भावत निंदन शूर, असुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चूर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने मन के अनुकूल किसी भी कथन का विवेचन करने में समर्थ हो पाता है, और एक ही कथन है, वह व्यक्ति उस कथन को अलग अलग ढंग से, हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से समान चीजों को अलग परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करता है। प्रश्न उठ खड़ा होता है कि जो वस्तुतः जो कथन है या जो शास्त्र का कथन है, हम उसे किस प्रकार विवेचित करें, इस अर्थ घटन के उपकरण क्या हो सकते हैं, इस पर एक सम्यक विचार की विचार जो है अपेक्षित है, क्योंकि जो श्रोता है और जो वक्ता है, जो वक्ता अपने मन की स्थितियों से बता रहा है और श्रोता जो अपनी मन की स्थिति से सुन रहा है, कभी कभी दोनों में भेद होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए एक ऐसे प्रारूप का जो है की निर्मिति भी अपेक्षित है, जिसमें जो कथन किया जा रहा है, चाहे वो पुस्तक का कथन हो या आख्यान दिया जा रहा है उसका हो, हम उसे उसी रूप में किस प्रकार समझ सकते हैं, ये अर्थ घटन की समस्या एक समस्या है। इसके ऊपर जब तक पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला जाएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में, मैंने लोगों के मस्तिष्क में नहीं आ पाएगी। राइट, ठीक, चलिए, ये बात भी ठीक है, आप की बात से मैं सहमत हूँ कि इसके बाद प्रोफेसर आर के गुप्ता जी। धन्यवाद आशुतोष जी, वैसे तो आज इतना अच्छा लगा सुनकर कि मैं ये समझू जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ वो कुछ अटपटी सी लगती है मुझे तो, या इसे आप नया आयाम भी कह दें जी, क्योंकि तो मेरा तो जो थोड़ा बहुत जानकारी हो फिल्मी गीतों से ज्यादा है। जब भाषा की बात आती है सर,
इससे पहले कि मैं अपनी बात फिल्मों वाली कहूं, मैं ये समझता हूं सर कि जो भाषा में जो शब्द हैं उनका बड़ा ही महत्व है। अब जैसे हमारा मंगलयान चंद्रमा पर जिस स्थान पर गया है उस स्थान का नाम हमने क्या रखा है, शिव शक्ति। पूरी की पूरी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, एक विचार है, एक भाव है। इसी प्रकार से कल ही हमने एक नया प्रयोग किया मिसाइल्स को छोड़ने के, रीयूजेबल प्लेन का, उसका नाम पुष्पक रखा गया है। तो ये जो नामकरण है, जो बात हो रही है भारतीय और पश्चिम में एक अंतर है, पश्चिम में तो कहा जाता है शेक्सपियर की व्हाट इज हिंदी ने नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार है। तो हमारे यहाँ जो भाषा है जैसा कि सर ने कहा भी था वो संस्कारित है, उसके पीछे भाव और विचार है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सर, फिल्म के माध्यम, फिल्मी गानों का ही बता रहा हूँ। एक दो बड़े प्रसिद्ध कवि हुए अपने भरत व्यास, उनका बेटा रूठकर उनसे चला गया था और उन्होंने लिखना बंद कर दिया था। तो एक ने बहुत 4-5 साल लिखा नहीं, दुखी थे। तो फिर उन्होंने बहुत जोर देने पर गाना लिखा था, जरा सामने तो आओ छलिया छुप छुप के छिलने में क्या राज है, 1957 में, वो तब भी नहीं आया। और फिर उसका उन्होंने 1959 में एक और गाना लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तेरे बिना सुना पड़ा मेरा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। वो बच्चा वापिस आ गया था उनका उस गाने को सुनकर। उनके भाव और विचार, यदि इसको आप देखें, और थोड़ा सा दे रहा हूं मैं आपको, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं सर आपको भाषा को लेकर। साहिल लुधियानवी और भरत व्यास के बीच में एक बार चर्चा हुई कि वे हिंदी में जो है गाने लिखे नहीं जा सकते जिसमें प्रेम की अनुभूति हो, शुद्ध हिंदी हो, साहिल लुधियानवी ने ऐसा कहा। तो फिर भरत व्यास ने उसके ऊपर एक गाना लिख कर दिया उनको, ये फिल्म थी सती सावित्री का, 1964 का, तुम हो पूजा में पुजारी, तुम सुधा में प्यास हूं, तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी तान भर। तो उन्होंने कहा ये बताओ इसमें कौन सा एक भी ऐसा शब्द है जो उर्दू का हो। ठीक, ऐसे ही इसी चैलेंज को फिर साहिल लुधियानवी ने भी लिया, क्योंकि वो मशहूर थे उर्दू के शब्दों को ज्यादा प्रयोग करने के लिए। तो उन्होंने भी एक गाना लिखा शुद्ध हिंदी में, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अच्छा, ऐसे एक बार चैलेंज दिया गया नीरज को, केवल हिंदी के शब्दों, उर्दू नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा रंगीला रे तेरे प्यार में। तो भाषा का जो है ना सर, यदि आप देखें बड़ा अर्थ है। बिल्कुल, आप तो पंजाब के लोग तो बड़ी अच्छी तरह समझ जाते हैं सर। एक बहुत पुराना गाना है 1949 में आया था, एक इच्छी लड़की का, लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। जहाँ पर वो गाने में लड़की ये भी कहते कि एक दिन ऐसा कि हम इस कुर्सी पर बैठेंगे। जो भाव है ना सर और भाषा है, जैसे कि सर ने भी कहा था कि अभिनय के माध्यम से भी वाणी की व्यक्ति होती है। और जब सर अपनी बात कह रहे थे तभी मेरे मन में एकदम मस्तिष्क में एक गाना भी याद आया, तभी गीत गाया पत्थरों ने। अब आदमी कह भी पत्थर कोई गीत गाते हैं, लेकिन उन्होंने सही कहा था, कवि जो है वो चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है। तो समृद्ध भाषा को देखना हो, जहां तक संस्कृत की बात है सर, बस संक्षेप में अपनी बात अंत में कह रहा हूँ, 1974 में एक फिल्म आई थी संकल्प, उसमें एक गाना तू ही सागर तू ही किनारा, उसके एक अंतरे में पूरा का पूरा भगवत गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अच्छा, वो बहुत ही उपयुक्त ढंग से प्रयोग हुआ है। और वो साल का बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला था सुलक्षणा पंडित को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ी सी मैं जानकारी शेयर कर रहा था आपसे कि इस आयाम से भी हम देखें
बल्कि एक किताब भी है मेरे पास भी है, वो अभी आई है, मनोहर महाजन थे जो अमीन सैनी के असिस्टेंट होते थे बिना का गीत माला वाले जी, गानों के अनजाने अफसाने, उनमें एक पूरा चैप्टर है कि हिंदी के विकास में फिल्मी गीतों का योगदान। अच्छा 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 तो जी, जी। आपको बहुत कुछ मिलेगा सर। और यदि आप भाषा के सौंदर्य की दृष्टि देखें तो आप सत्यम शिवम सुंदरम के गाने देखिए, बिल्कुल, और एक है फिल्म उत्सव, उत्सव के गाने भी यदि आप देखें ना, भाषा के सौंदर्य और भाव और विचार से परिपूर्ण है। जैसे अभी मैंने पहले इसके गाने का जिक्र किया साहिल लुधियानवी के, तो उत्सव में भी एक गाना है जी, मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, राइट राइट। ऐसे सर हमारे यहाँ बड़ी ना, मैं कहता हूँ इतने अच्छे गाने भी हैं जो हमारे भावों को विचारों को प्रकट करते हैं। अब जैसे होली आने वाली है, तन रंग लो जी आज मन रंग लो गीत, वो आपको पूरा सरा बोर कर देगा। और अंत में कह रहा हूँ सर कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनको आप बदल ही नहीं सकते, जैसे भाभी की चूड़िया फिल्म का गाना है ज्योति कलश छलके। अब इस गाने में आप भाषा विचार को यदि आप देखें और भाव को, इसका कोई आपको विकल्प नहीं मिलेगा। अब ज्योति शब्द के साथ आप घड़ा तो प्रयोग नहीं कर सकते और जो कलश है उसका अर्थ ही दूसरा है। सही है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी हमें क्या कहते हैं, कलश लाइए, कभी घड़ा तो नहीं कहते ना हम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर कि जो आपने आज का विषय रखा है इसके ऊपर और भी चर्चा हम कर सकते हैं, और इतना अच्छा विचार और इतना अच्छा सुनने को मिला मुझे, तो बहुत सी चीजें जानकारी मिली, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर। और किसी की कोई टिप्पणी हो, कोई और संक्षेप में कोई बात कहना चाहता हो, फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए एक बार फिर प्रोफेसर रमाकांत जी को कहूंगा, यदि किसी की कोई टिप्पणी हो या कोई बात रखना चाहता हो बहुत संक्षेप में, तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो मैं चलिए आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर रमाकांत जी को कि एक बार वो एक संक्षिप्त जो है इसका समाहार जो है हमारे साथ साझा करें कि भाषा विचार और भाव के जो अंतर संबंध हैं, इनको हम कैसे समझें, किस आधार पे समझें, और इसका जो संस्कार करने की प्रक्रिया वो कैसे हो, जबकि आजकल जो है वो विस्तार इतना होता जा रहा है कि जिसके ऊपर कोई लगाम लगाई ही नहीं जा सकती। इसमें ऐसे है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने एक शब्द प्रयोग किया, प्रयोगेणाभि ज्वलित, कि ये प्रयोग करने की कला आप अपनी जो साथी लोग हैं उसे प्रयोग करने की कला, प्रयोग शब्दों का जब होता है तो वो एक प्रकार से जैसे माचिस रगड़ने से जल उठती है, ऐसे ही वो प्रयोग से अभी ज्वलित होता है शब्द। अभी इन्होंने फिल्म की बातें की, उसमें तुम गगन के चंद्रमा और मैं धड़ा की धूल हूँ, और हिंदी के ये ज्योति कलश चल के, ये सारी सेंसिबिलिटी जो है, ये सारा बोध जो है, इस बोध का एक अपना मूल, एक संस्कार, एक संस्कृति है पूरी। अब ये जितने भी उसमें उत्सव हो या और हो, सबके पीछे मूल में कहीं एक हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। उत्सव के पीछे मृत छक्रिकम, उसके पीछे चारू दत्तम और सारे प्लेस जो थे उनको लेकर के ये सारा काम हुआ और बहुत अच्छा हुआ। लोक भाषाओं में भाषा शब्द को मैंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया था, लेकिन लोक भाषाओं ने जो एक अपना अंतः संबंध रखा है, अंतः संबंध का में उनका जो एक इंटरनल रिलेशनशिप है, तो वो भाव की बात ठीक है कि ये आपका जितना भी सभी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का अपने अपना प्रयोग से एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है।
और कभी कभी वो प्रयोग से अभी ज्वलित भी हो उठता है, लेकिन हमारी जो एक संवेदनशीलता है उस संवेदनशीलता के मूल में एक हमारा संस्कार जो है, हमारा जो अपना मूल है, परंपरा जो है उसका जो मूल है, वो मूल उसमें जरूर रहना चाहिए। आधुनिक को ग्रहण करना चाहिए, आधुनिकता को ग्रहण जरूर करना चाहिए, और बिल्कुल उसको ग्रहण किए बगैर नहीं चल सकते। लेकिन आधुनिकता के ग्रहण के साथ साथ हमारा मूलोच्छेद नहीं होना चाहिए। हम मूल से परे बचने लग जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हम जब देखते थे कि ये उसमें पाश्चात्य पश्चिम के साहित्यकार लोग जो हमारे से, जिनके साथ हमारा बड़ा घनिष्ठ मैत्री भी रही, कि वो थोड़ी सी कहीं पर उसमें भाषा की दृष्टि उनकी भी अपनी ठीक होती है, उन जैसा है। लेकिन भाषा के अंदर विचार की प्रक्रिया और विचार की प्रक्रिया के साथ भाव को, जो आपका टॉपिक रहा है, उसमें ये निश्चित रूप से स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चाहे लोक भाषा हो, लोक भाषा में भी हो सकता है और दूसरी भाषा में भी उसमें हो जाता है, क्योंकि सभी ने विचार किया है सभी ने, लेकिन उसका मूल कहीं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाषा के ही ये डिफरेंट लेयर्स हैं, एक तह है, एक तह खुलती है तो दूसरी तह खुलती जाती है, उसी में से मन निकल आता है, उसी में से प्राण निकल आता है, उसी में से विचार बौद्धिकता निकल आती है। बहुत अच्छा, विद्वानों ने जितना अपना अपना दृष्टिकोण जिन्होंने उपस्थित किया है, मैंने सुना है, और उसको मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा स्वस्थ दृष्टिकोण वाली बात है कि भाषा शब्द का जो प्रयोग है वो उसमें बड़ा ही या आधुनिक प्रयोग है, या भाषा शब्द से प्रयोग जो करते थे हम लोग वो संस्कृत से जो इधर भाषाएं थी वो उनके लिए भाषा शब्द का प्रयोग करता था। ये लोग लिखते थे इति भाषायाम, ऐसे वो लिख के संस्कृत में जो कहते थे कि उष्ट्र उष्ट्र लिख के, कि उष्ट के माने ऊंट, इति भाषायाम, तो भाषा में माने कि ऊंट है। लेकिन लोक भाषाओं ने बहुत उन्नति की है और बहुत, लेकिन लोक भाषाओं में उन कवियों ने जिनकी जो बोध है, जिनकी सेंसिबिलिटी जो है वो अपने मूल से जुड़ी रही है, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मूल, मैं समझता हूँ कि मूल का ध्यान इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिछली 2 शताब्दियों के अंदर हम लोग अपने मूल से बहुत परे चले गए, और मूल से परे जाने के परिणाम स्वरूप हमारा सारा आउटलुक जो है वो एक भारतीय जो दृष्टि थी, आर्ष दृष्टि जिसे हम भी कहते हैं, उसमें वो आर्ष दृष्टि जो है वो थोड़ी सी उसमें पीछे छूटने का ध्यान रखना जो है वो ठीक है। बाकी मैं समझता हूँ कि आप सभी विद्वान लोग हैं, सभी ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया है, तो लेकिन मैंने उसे समझा कि जो विचार और भाव है उनका जो स्पष्टीकरण है वो स्फुटता जो है वो लोक भाषा में शायद विचार में या भाव के अंदर, क्योंकि भाव शब्द का प्रयोग जितनी डायमेंशन उसके अंदर आई है कि भाव के माने क्या है, मूलतः कितने अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, सिर्फ भाव पर ही चर्चा करनी हो तो एक पूरी चर्चा, शास्त्र चर्चा जो है भाव पर ही कर, विचार पर करें, विचार पर ही करें। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो हमारा सत्र रहा, इस सब के लिए आप सब लोगों को सफलता, आप लोगों के लिए बहुत बहुत मैं समझता हूँ कि बधाई आप लोगों को। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस सत्र को हम यहीं पे पूरा करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है, धन्यवाद करने से पहले और आपको अग्रिम सूचना देने से पहले, कि
कि भाषा विचार और भाव जो हैं वो कम से कम वर्तमान काल में या पिछले लगभग 1000-1500 वर्षों में वो सर्वाइवल की भाषा विकसित हुई है। सर्वाइवल का ही विचार, सर्वाइवल के ही जो इमोशंस हैं वो ही विकसित हुए हैं, उनका विस्तार अधिक हुआ है जैसा कि हम देखते हैं, और उसकी अभिव्यक्तियां समाज में भी और जो आर्ट है उसमें उसकी दिखाई देती हैं। इसीलिए शायद वॉयलेंस और इस तरह की बातें बहुत बढ़ी हैं। और अपेक्षा मुझे लगता है कि इस बात की थी कि हमारी भाषा विचार और भाव जो हैं वो सेंस ऑफ इंक्वायरी से आरंभ होते। तो संस्कारित समाज जिसे हम कहते हैं जी, आप जिस तरह की हम किसी सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप करना चाहते हैं वो है इंक्वायरी की कल्चर डेवलप, जहाँ हो और वो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो वैल्यू सिस्टम में जो कि वेल बींग की वैल्यू सिस्टम है, लेकिन उसमें वो सफल हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। और हम सोशल साइंसेज हों या बाकी सब चीजें हों, वो अभी तक सर्वाइवल के लेवल से ऊपर नहीं उठ पा रही, मुझे ऐसा लगता है। और विस्तार से इस विषय पे फिर दोबारा कभी चर्चा करेंगे जब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को लेंगे, कि भी अभी तक वो फियर और हंगर के मामले की भाषा से वो ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। तो इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे अभी अग्रसर। और इसके साथ मैं सूचना देना चाहता हूँ कि 26 तारीख को क्वांटम फिजिक्स, थ्योरी ऑफ कर्मा और एंटीना टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर 26 तारीख को हमने एक रखा है, और वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी उसमें आप दे सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काम काफी किया है कि किस तरह से आप जो है कर्मों से मुक्ति एंटीना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एंटीना की एनर्जी के थ्रू आप उसको उससे छूट सकते हैं। तो उस विषय को भी देखेंगे, और इसी तरह निरंतर अब हम इस कार्यक्रम को अग्रसर करेंगे। आने वाले समय में और भी बहुत सारे विषयों को लेंगे, और कुछ कार्यशालाएं आयोजित करने का भी मन है, तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। लेकिन आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, आप लोगों ने जो सहयोग दिया और धैर्य पूर्वक सारी बातों को सुना और अपना अपना इस विचार यज्ञ में अपनी अपनी वैचारिक और भावनात्मक आहुति डाली है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे 26 तारीख को, रिमाइंडर मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। यस जी, नमस्कार। नमस्ते। कॉलेज पास। आनंद जी, आप अपना बताइएगा कि भाई आपने इसका उत्तर क्या ढूंढा है।